नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पार्टी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की नाकामियां रही हैं, उससे देश ही नहीं राज्यों और नगरीय निकायों में भी जनता को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के राज्य में बड़ी योजनाएं तो सपने बन गए हैं, जनता की छोटी छोटी तकलीफों का भी समाधान नहीं निकल पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करेगी और विफल कांग्रेसी सत्ता को करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार की नाकामियां रही हैं 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में, जो उन्होंने लोकतंत्र पर आघात किया है, सीधी प्रणाली से जो चुनाव होते थे उसे खत्म करके पार्षदों के बीच से चुनाव कराने की जो शुरुआत की है, इनकी नाकामियों को लेकर, इनके अपराध के तमाम विषयों को लेकर, आंकड़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें बहुत आशीर्वाद दे रही है। हम बहुतायत हमारे पार्षद जीत के आएंगे। विधायक केवीएन राजा का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, बैलेट में नहीं। वो किस पे जो चुनाव जीत कर आए हैं देवेंद्र यादव जी को ये बताना चाहिए कि वो बैलेट में जीत के आए हैं कि ईवीएम में आए हैं, और वो जिस पर जीत कर आए हैं अगर उनको उस पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ी ईवीएम में हो गई है, तो बैलेट अगली बार सही कर देगा। इस बार बैलेट का इंतजार करिए।